नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जो है निशुल्क टेस्ट होता है, उस टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए देखते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पेपर है, उसे सॉल्व करा रही हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, हेनरी मूर किस प्रवृत्ति के मूर्तिकार थे। तो हेनरी मूर के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो 1898 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, और ये अपनी जो अर्ध अमूर्त स्मारकीय कांस्य मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पहला आधुनिक प्रवृत्ति, दूसरा परंपरागत प्रवृत्ति, तीसरा तांत्रिक प्रवृत्ति और चौथा है लोक प्रवृत्ति। तो इसमें इनका हो जाएगा ये आधुनिक प्रवृत्ति के, यानी मॉडर्न आर्टिस्ट थे, मॉडर्न मूर्तिकार थे। इन्होंने अमूर्त मूर्तियां बनाई हैं, जैसे फैमिली फिगर है, थ्री स्टैंडिंग फिगर है, इस तरह से इनकी मूर्ति जो है बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी निर्मित की। पहला जगमोहन चोपड़ा, दूसरा सोमनाथ होर, तीसरा कृष्ण रेड्डी, चौथा दीपक बनर्जी। तो जो सोमनाथ होर थे उन्होंने, वो एक प्रिंट मेकर भी थे और वो कांस्य में अनेक लघु मूर्तियों का भी निर्माण उन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस कला मंडप को तांत्रिक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। पहला महाबलीपुरम, दूसरा एलिफेंटा, तीसरा खजुराहो, चौथा अजंता। तो दोस्तों इनमें से जो खजुराहो है वो अपनी तांत्रिक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला देवगढ़, दूसरा भीतरगांव, तीसरा एरान, चौथा बोधगया। तो गुप्त काल का जो ईंटों का बना मंदिर है वो है भीतरगांव में। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में लगी मूर्ति ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय किस मूर्तिकार द्वारा निर्मित है। पहला ए एच राय चौधरी, दूसरा शंकु चौधरी, तीसरा देवी प्रसाद राय चौधरी, चौथा नागजी भाई पटेल। तो जो श्रम की विजय वाली मूर्ति है उसे बनाया था देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, कला समीक्षा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। पहला के एस कुलकर्णी, दूसरा रामेश्वर ब्रूटा, तीसरा रतन परमू, चौथा हिम्मत शाह। तो इसमें से ये हिम्मत शाह मूर्तिकार हैं, बाकी लोग चित्रकार हैं। तो उसमें देखिए ये रतन परमू जो हैं वो कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद रॉक टेंपल कहाँ है। पहला रामेश्वरम, दूसरा कोलकाता, तीसरा चंडीगढ़, चौथा कन्याकुमारी। तो जो विवेकानंद रॉक टेंपल है वो कन्याकुमारी में है। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ स्तूप किस काल का है। पहला अशोक के समय, दूसरा कुषाण काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा पाषाण काल। तो जो अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ स्तूप किस काल का है। सारनाथ स्तूप किस काल का है। पहला अशोक के समय, दूसरा कुषाण काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा पाषाण काल। तो जो सारनाथ स्तूप है वो अशोक के समय का है। अगला प्रश्न देखिए, कांस्य में बनी प्रसिद्ध तांडव मूर्ति किस कला से संबंधित है। पहला चोल कला, दूसरा चालुक्य कला, तीसरा गांधार कला, चौथा पल्लव कला। तो कांस्य में बनी प्रसिद्ध जो तांडव मूर्ति यानी जो नटराज वाली मूर्ति है वो चोल काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अमरावती की कला मूलतः किस धर्म से संबंधित है। पहला जैन धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा मुस्लिम धर्म। तो जो अमरावती की कला है दोस्तों वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पहला आनंदवर्धन, दूसरा भरत मुनि, तीसरा वाराह मिहिर, चौथा विष्णुगुप्त। तो ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? पहला बाणभट्ट, दूसरा कल्हण, तीसरा कालिदास, चौथा वाराह मिहिर। तो बृहत संहिता के जो रचयिता थे वो थे वाराह मिहिर। दोस्तों, जो आपका टीजीटी और पीजीटी का पेपर आता है, लगभग लेवल उसका ऐसा ही होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप इन्हीं प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को आपको क्लियर करना ही करना है। आइए देखते हैं, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद, इसका उदय किस उद्भव किस देश में हुआ? पहला फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा जर्मनी, चौथा हॉलैंड। तो जो भविष्यवाद का उदय हुआ था दोस्तों, वो हुआ था इटली में। अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज पियरे सोरा संबंधित थे, पहला क्यूबिज्म से, दूसरा ट्यूबिज्म से, तीसरा फाविज्म से, चौथा पॉइंटिलिज्म थे से। तो जो जॉर्ज सोरा थे दोस्तों, वो नौ प्रभाववाद के जनक थे, यानी पॉइंटिलिज्म, बिंदुवाद, उसको बिंदुवाद भी कहा जाता है, नौ प्रभाववाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हमजा नामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। तो जो हमजा नामा पुस्तक थी उसे हुमायूं के समय में लिखा गया था, लेकिन इसका सचित्रीकरण करवाया था अकबर ने। अगला प्रश्न देखिए, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? पहला एलोरा, दूसरा पुरी, तीसरा हम्पी, चौथा महाबलीपुरम। तो जो हमारा रथ मंदिर है महाबलीपुरम, वहां पर द्रौपदी रथ मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ है? पहला दिलवाड़ा, दूसरा ओसियान, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा कांचीपुरम। तो जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? पहला राय कृष्णदास, दूसरा गणपति वी स्थपति, तीसरा वीएस अग्रवाल, चौथा गुलाम मोहम्मद शेख। तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के जो लेखक हैं वो हैं गणपति वी स्थपति। अगला प्रश्न देखिए, डिस्को बॉलस यानी डिस्कस थ्रोयर के संदर्भ में क्या सही है? ये एक मूर्ति है, वो पूछ रहा है कि इनमें से क्या है, ये प्रख्यात अमेरिकन मूर्ति है, या प्रख्यात भारतीय मूर्ति है, या प्रख्यात ग्रीक मूर्ति है, या प्रख्यात अफ्रीकन मूर्ति है। तो जिस डिस्कस थ्रोअर वाली जो मूर्ति है वो प्रख्यात ग्रीक मूर्ति है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नागजी पटेल के कामों की विशेषता क्या है? पहला सरलीकृत आकार, दूसरा लीनियर कंपोजिशन, तीसरा आदर्श सौंदर्य, चौथा मैकेनिकल फर्म। तो नागजी पटेल के जो काम की विशेषता थी वो आइडियल ब्यूटी यानी आदर्श सौंदर्य थी। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर महापात्र किस शैली में काम करते थे? पहला इंस्टॉलेशन, दूसरा पारंपरिक, तीसरा आधुनिक, चौथा मिश्रित माध्यम। तो जो श्रीधर महापात्र थे वो पारंपरिक शैली के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? पहला केवी जैना, दूसरा देवीलाल पाटीदार, तीसरा कृपाल सिंह शेखावत, चौथा मन सिमरन सिंह। तो जयपुर ब्लू पॉटरी की जो पुनरुत्थान किया वो थे कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखिए, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 18वीं शताब्दी, तीसरा 21वीं शताब्दी, चौथा 20वीं शताब्दी। तो पिकासो की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? पहला सल्वाडोर डाली, दूसरा आंद्रे ब्रेटन, तीसरा मैक्स इंसर्ट, चौथा मीरो। तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र था उसे तैयार किया था आंद्रे ब्रेटन ने, जारी किया था। अगला प्रश्न देखिए, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय की कला का भाग है? पहला गोथिक कला, दूसरा बरोक कला, तीसरा बाइजेंटाइन कला, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रंगीन कांच की जो खिड़कियों की कला थी वो थी गोथिक काल की। बाइजेंटाइन कला में मोज़ेक का काम हुआ था, और गोथिक काल में रंगीन खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी।
अगला प्रश्न देखिए, 3500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य मूर्तिकला के अच्छे उदाहरण किस कला के इतिहास का भाग है? पहला पाषाणकालीन कला, दूसरा गुप्तकाल की कला, तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा होसला कला। तो जो 3500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य की मूर्तिकला है दोस्तों, ये जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क के निर्माण का समय काल क्या है? पहला पहली से 5वीं शताब्दी, दूसरा 9वीं से 13वीं शताब्दी, तीसरा 7वीं व 8वीं शताब्दी, चौथा ईसा पूर्व 3री शताब्दी। तो जो कोणार्क के निर्माण का समय काल है वो 9वीं से 13वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी हेड सीरीज मूर्तिशिल्प प्रसिद्ध है? पहला एमएफ हुसैन, दूसरा एफएम सूजा, तीसरा वीएस गायतोंडे, चौथा हिम्मत शाह। तो जो हेड सीरीज वाली मूर्तिशिल्प है वो है हिम्मत शाह की। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार कला किसके समय में विकसित हुई थी? पहला शाक्य, दूसरा मौर्य, तीसरा कुषाण, चौथा शुंग। तो जो गांधार कला थी दोस्तों वो कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा राजस्थान। जोगीमारा की जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आप अपनी तैयारी ऐसे ही खूब अच्छी बनाए रहिए, कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, पूरे सिलेबस को कवर करिए और जी जान से तैयारी करिए, उसमें हमारा आपके साथ पूरा सहयोग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रालय लखनऊ की दीवार पर म्यूरल किसने सृजित किया? पहला दिनकर कौशिक, दूसरा रामकिंकर बैज, तीसरा सुधीर रंजन खास्तगीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रविंद्रालय भवन की दीवार पर म्यूरल बनाया था वो बनाया था केजी सुब्रमण्यम ने, तो उनका नाम इसमें है नहीं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी? पहला इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा अमेरिका, चौथा डेनमार्क। तो जो पॉप आर्ट की शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार जानकी राम की कार्यशाला किस शहर में थी? पहला चेन्नई, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली, चौथा जम्मू। तो मूर्तिकार जानकी राम की जो कार्यशाला थी वो चेन्नई में थी। अगला प्रश्न देखिए, चोल मंडल मद्रास की स्थापना में किस कलाकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? पहला के सी एस पनिक्कर, दूसरा एम एफ हुसैन, तीसरा ई वी हैवल, चौथा ओ सी गांगुली। तो चोल मंडल मद्रास की जो स्थापना की थी वो के सी एस पनिक्कर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की कला के पुनर्जागरण का प्रमुख कलाकार कौन था? पहला मैसेचियो, दूसरा लियोनार्डो दा विंची, तीसरा पाओलो उचेलो, चौथा टिशियन। तो जो यूरोप की कला के पुनर्जागरण का जो दो प्रमुख कलाकार थे दोस्तों, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची। तो इसमें से आइए देखते हैं, ये देखिए लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखिए, निकोलस रोरिक ने अपनी कार्यशाला किस देश में बनाई? पहला रूस, दूसरा जर्मनी, तीसरा भारत, चौथा इंग्लैंड। तो दोस्तों जो निकोलस रोरिक था वो रूस का था, लेकिन वो आकर के भारत में जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय की वादियों से ये बहुत प्रभावित हुआ और भारत में ही आकर के बस गया, तो इसने अपनी जो कार्यशाला बनाई वो भारत में ही बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी कला शिक्षा संस्था कौन सी है? पहला कला भवन शांति निकेतन, दूसरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, तीसरा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, चौथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। तो जो सबसे पुरानी कला शिक्षा संस्था थी वो थी स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई किस कलाकार की कल्पना थी? पहला सत्यजीत रे, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा श्याम बेनेगल, चौथा एम एफ हुसैन। तो देखिए इसमें आपसे पूछा ये नहीं पूछ रहा है कि किसके ऊपर ये बनाई गई थी फिल्म, बल्कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस कलाकार की कल्पना थी। तो ये थी सत्यजीत रे की, सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर ये फिल्म बनाई थी और सत्यजीत रे भी एक कलाकार थे।
अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने 100 वर्ष की आयु पूरी की? पहला पिकासो, दूसरा MF हुसैन, तीसरा BC सान्याल, चौथा किसी ने नहीं। तो 100 वर्ष की आयु पूरी की थी BC सान्याल ने। इन्होंने अपने जीवन में भारत को 3 बार बढ़ते हुए देखा, 3 बार विभाजन हुआ था इनके जीवन काल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? पहला बर्निनी, दूसरा दोनातेल्लो, तीसरा मैसेचियो, चौथा पाओलो उच्चेलो। तो अपोलो एंड डेफनी के जो मूर्तिकार थे वो थे बर्निनी। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा गुफा की मूर्तिकला किस शैली में है? पहला ब्राह्मिक शैली, दूसरा रोमन शैली, तीसरा गंधार शैली, चौथा बाइजेंटाइन शैली। देखिए, एलिफेंटा गुफा की मूर्तिकला किस शैली में है? पहला ब्राह्मिक शैली, दूसरा रोमन शैली, तीसरा गंधार शैली, चौथा बाइजेंटाइन कला। तो एलिफेंटा गुफा की जो मूर्तिकला है वो ब्राह्मिक शैली में है, यानी ब्राह्मण शैली। इसमें ज़्यादातर शिव की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन गुजरात का मूर्तिकार नहीं है? पहला रजनीकांत पांचाल, दूसरा धनराज भगत, तीसरा नागजी भाई पटेल, चौथा राघव कनेरिया। तो दोस्तों, ये तीनों ही लोग जो है गुजरात के हैं, धनराज भगत लाहौर के मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखिए, बर्निनी किस काल के मूर्तिकार थे? पहला बरोक शैली, दूसरा घनवाद, तीसरा फाववाद, चौथा पाप आर्ट। बर्निनी किस काल के मूर्तिकार थे? पहला बरोक शैली, दूसरा घनवाद, तीसरा फाववाद, चौथा पाप आर्ट। तो बर्निनी जो है बरोक शैली का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगला देखिए, रनर यानी स्प्रो किस लिए प्रयोग होता है? पहला गैस निकालने के लिए, दूसरा मेटल की दौड़ के लिए, तीसरा मोल्ड संरक्षित रखने के लिए, चौथा मेटल गलाने के लिए। तो जो रनर या स्प्रू है वो मोल्ड संरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन संगमरमर की श्रेणी का पत्थर है? पहला आग्नेय पत्थर, दूसरा परतदार, तीसरा परिवर्तित, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संगमरमर की श्रेणी का पत्थर है वो है परिवर्तित, यानी कायांतरित जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दीदारगंज यक्षी किस काल की कृति है? पहला मौर्य काल, दूसरा शुंग काल, तीसरा कुषाण काल, चौथा गुप्त काल। तो जो दीदारगंज की यक्षी मूर्ति है वो मौर्य काल की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, सुजाता किस मूर्तिकार की कृति है? पहला शर्वरी राय चौधरी, दूसरा राम किंकर बैस, तीसरा हिम्मत शाह, चौथा अजीत चक्रवर्ती। तो जो सुजाता है वो राम किंकर बैस की मूर्ति है। देखिए दोस्तों, जब मैं ये पेपर कराती हूँ तो जब मैं प्रश्न पूछती हूँ तो उसके उत्तर आप जो है तुरंत कमेंट बॉक्स में दिया करिए। इससे आपको अपनी क्षमता का भी नॉलेज होगा कि हाँ आपकी कितनी तैयारी है। और दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ अपना प्यार और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा और आप सफल होंगे। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। स्टीफन कॉक्स किस देश के मूर्तिकार हैं? पहला इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा ग्रीस, चौथा फ्रांस। तो स्टीफन कॉक्स जो थे वो इंग्लैंड के मूर्तिकार थे। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। और हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टेस्ट पेपर भी होते हैं, अगले दिन उसका डिस्कशन भी होता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। साथियों नमस्कार।